नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एनके जी क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। दादी नानी की बताई हुई बहुत ही कमाल के नुस्खे। नंबर एक, खड़े होकर खाना खाने से मन हमेशा अशांत रहता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए खाना हमेशा बैठकर खाना चाहिए। नंबर दो, अगर बालों में रूसी हो रही है तो दही में नींबू डालकर लगाना चाहिए। नंबर तीन, जिन औरतों को खून की कमी है उनको रोजाना सरसों के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए और खजूर का सेवन करना चाहिए। नंबर चार, जिनका पेट साफ नहीं होता है उनको रात के वक्त अजवाइन खाकर सोना चाहिए और सुबह के वक्त पपीता खानी चाहिए। नंबर पाँच, अगर आपको वजन कम करना है तो दही में काला नमक और काली मिर्च मिलाकर खाना चाहिए। नंबर छः, जो लोग गर्मी में कद्दू का सेवन करते हैं उनको खून की कमी नहीं होती है। नंबर सात, अगर आपके लीवर में कोई दिक्कत है तो आपको खाली पेट तरबूज नहीं खाना चाहिए। नंबर आठ, गर्मियों में धूप में निकलने के कारण चेहरे का रंग काला पड़ जाता है, इसलिए चेहरे पर दही में बेसन और हल्दी मिलाकर लगाना चाहिए। नंबर नौ, आँखों को हेल्दी रखने के लिए आप गाजर और हरी सब्जियों का सेवन करें। नंबर दस, आलू बुखारा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करता है। नंबर ग्यारह, रोजाना एक रसगुल्ला खाने से आँखों में होने वाली जलन और पीलापन दूर होता है। नंबर बारह, अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो बीच बीच में थोड़ी बहुत कड़वी चीज़ें जरूर खानी चाहिए। नंबर तेरह, जिन बच्चों के शारीरिक लंबाई कम होती है या शरीर कमजोर होता है उनको रोजाना पपीता खिलाना चाहिए। नंबर चौदह, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो खाने में नींबू, खीरा और बंदा गोभी जरूर खाएं। नंबर पंद्रह, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खा ले, इससे खाना जल्दी से हजम हो जाएगा। नंबर सोलह, पानी हमेशा धीरे धीरे पीना चाहिए, एक साथ ना पिए। नंबर सत्रह, फल खाने का सही समय सुबह और दोपहर का होता है, रात के वक्त फल नहीं खाने चाहिए, इसके साथ ही खाने के तुरंत बाद फल नहीं खाने चाहिए। नंबर अठारह, दिन में कम से कम दो से तीन बार गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। नंबर 19, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप आम का अचार खाएं, इससे आपको भूख लगने लग जाएगी। नंबर 20, ज्वाइंट पेन को दूर करने के लिए क्या आप जानते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मशहूर आंवले का फल आपके जोड़ों के दर्द को भी कम कर सकता है। दरअसल आंवले में विटामिन सी मौजूद होता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और ज्वाइंट के टिश्यूज को आपस में जोड़ने में मदद करता है। साथ ही यह इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, जिससे घुटने में सूजन और दर्द जैसी परेशानियों से आराम मिलता है। नंबर 21, कई लोग रोजाना चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद करते हैं। रोजाना चाय के साथ बिस्किट खाना बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि बिस्किट को बनाने में मैदा, चीनी और तेल आदि का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपको सीने में जलन, कब्ज, एसिडिटी और पाचन संबंधित परेशानी हो सकती है और शरीर में गर्मी होना, इससे आपका वजन भी बढ़ता है और ब्लड शुगर भी बढ़ जाती है। इसका सेवन करने से अनेकों बीमारियाँ हो सकती हैं, इसलिए आप चाय के साथ बिस्किट खाना बिल्कुल ही बंद कर दें। नंबर 22, अगर आप लंबे समय तक हेल्दी और यंग रहना चाहते हैं तो रोजाना एक भीगी हुई अंजीर खाना शुरू कर दें। नंबर 23, केमिकल ब्लीच की जगह इस्तेमाल करें घर में बनी नेचुरल ब्लीच। इसके लिए केले के छिलके और आलू का पैक बनाकर अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट रखने के बाद धो लें। केले के छिलके और आलू का स्टार्च त्वचा की मृत कोशिकाओं यानी डेड स्किन सेल्स को हटाने में सहायक होते हैं, जिससे त्वचा साफ और निखरी नजर आती है। नंबर 24, बच्चों को क्यों पहनाते हैं चांदी के कड़े?
मान्यताओं के अनुसार चांदी के कड़े पहनने से बच्चों को कई रोगों से बचाव मिलता है और स्वास्थ्य को भी कई तरह के लाभ मिलते हैं। नंबर 25, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए आप आलू को कद्दूकस कर लें। इसके बाद 2 चम्मच आलू का रस निकाल लें। अब इसमें चावल का आटा मिलाएं, फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अप्लाई करें। 10 से 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से अच्छी तरह से धो लें। आप सप्ताह में एक बार इस फेस पैक को अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई या सेंसिटिव स्किन है तो इस फेस पैक को चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। आलू का रस त्वचा की रंगत में सुधार करता है, जबकि चावल का आटा त्वचा की गंदगी और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में मदद करता है। नंबर 26, गर्मियों में ग्रामीण इलाकों में पाए जाने वाली कच्ची देसी खजूर तो औषधीय गुणों से भरपूर होती है, लेकिन यह फल पकने के बाद खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है। इस फल में विभिन्न पोषक तत्व और पोषक गुण होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन। इनमें विटामिन बी, कैल्शियम और आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। यह पका हुआ फल शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। नंबर 27, आयुर्वेद के अनुसार बारिश में वात दोष उत्तेजित हो जाता है और साथ ही पित्त दोष भी बढ़ रहा होता है, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियों को बहुत पौष्टिक और सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है। लेकिन बरसात के मौसम में पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस मौसम का तापमान और आर्द्रता हरी पत्तेदार सब्जियों पर बैक्टीरिया और फंगस के विकास के लिए अनुकूल होती हैं। इस वजह से हरी सब्जियों से पेट में संक्रमण का खतरा रहता है, इसलिए पालक, मेथी के पत्ते, पत्ता गोभी, फूल गोभी जैसी सब्जियों को बारिश में बिल्कुल भी ना खाएं। इसके बजाय करेला, घिया, तोरी और टिंडा जैसी सब्जियां खाने में शामिल करें। नंबर 28, गर्दन के कालेपन को साफ करने के लिए बेसन और दही के पैक को लगाएं, क्योंकि बेसन और दही में कई सारे गुण होते हैं। साथ ही इसमें प्रोटीन होता है, जो सेहत के साथ साथ त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। बेसन से जहां चेहरे पर ग्लो आता है, तो साथ ही इसकी मदद से काली गर्दन को साफ किया जा सकता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।